लोग तो मुझे एक कमेंट आया था कि आप टेस्ला की सेटिंग बताएं जिस पे आपका इतना लोड जो है वो ये चला पा रहा है विदाउट वापडा और विदाउट बैटरीज। तो आज हम आपको सेटिंग बताते हैं इसकी। तो जस्ट आपने क्लिक करना है तो ये जो है आपके सामने इसकी स्क्रीन का ये डिस्प्ले आ जाता है। क्योंकि मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा लगा भी हाइट के ऊपर है, तो थोड़ी सी वीडियो हिलेगी शेक वगैरह करेगी तो आपने इसको बर्दाश्त करना है। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला मेन्यू आ जाता है, वाईफाई ग्लो इन्वर्टर। आपने जस्ट इन्वर्टर के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास जो है ये कोड आ जाता है, तो आपने कोड इंटर करना है या पासवर्ड इसका दे के इंटर होते हैं। तो आगे आपके पास ये वाला मेन्यू आ जाता है जिसमें सबसे पहले सोलर की सेटिंग आ जाती है, उसके बाद एसी की आ जाती है, फिर बैटरी की सेटिंग आ जाती है, फिर एक्स्ट्राज आ जाते हैं, रीसेट आ जाता है। रीसेट का मीन्स के आप इसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट के ऊपर कर सकते हैं, और पैरेलल ऑपरेशन जो कि ये आप उसमें पैरेलल कर सकते हैं यूनिट को, अप टू 9 यूनिट आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम सोलर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो सोलर की जो सबसे पहली प्योरिटी है, सोलर प्योरिटी, पावर प्योरिटी, वो हमने इसकी रखी हुई है LBU के। सबसे पहले जो है सोलर लोड चलाए, उसके बाद बैटरी को चार्ज करें, ठीक है, और यूटिलिटी चलाए, ठीक है। उसके बाद चार्जिंग सोर्स प्योरिटी है वो सोलर ओनली है, क्योंकि बैटरी वगैरह कोई नहीं लगी हुई तो इसलिए सोलर ओनली ही चलता हुआ है। आउटपुट सोर्स इसका SUV है, ठीक है, कि पहले सोलर से आए, फिर यूटिलिटी से आए, फिर बैटरी भी आए, क्योंकि बैटरी इसमें नहीं है। तो ये है सोलर की सेटिंग्स। इसके बाद AC इनपुट पे आ जाते हैं हम। AC इनपुट के ऊपर 50 हर्ट्ज़ के ऊपर है AC आउटपुट फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज 230 के ऊपर सेट है इसके, और AC इनपुट वोल्टेज अप्लाइंसेज है। UPS आप अपने वोल्टेज के मुताबिक रख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक वो चीज़ होती है कि आप जो आपके पीछे से ग्रिड से आ रहे होते हैं वोल्टेज, ये उनको करता है कि अप्लाइंसेज जो होते हैं इसकी तकरीबन 160 से लेके 260 तक रेंज होती है। UPS की जो होती है वो मेरे ख्याल 120 से लेके जो होती है, फर्दर मैं और डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा इन दोनों की क्या इन दोनों की रेंज होती है। तो दोबारा बैक पे जाते हैं, बैटरी ऑपरेशन के ऊपर जाते हैं। तो बैटरी फिलर अभी इसके साथ कोई नहीं लगी हुई, तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक सेटिंग हमने की है इसकी, बैटरी के ऊपर जाके नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी चार्जिंग एम्पियर है ना, बैटरी मैक्सिमम चार्जिंग करंट 50 है, और मैक्सिमम AC करंट जो है वो भी 10 एम्पियर पे इसको किया हुआ है। उसके बाद एक्स्ट्रा के ऊपर आ जाते हैं। एक्स्ट्रा के अंदर इसकी बजल ऑन की हुई है, ओवरलोड बाईपास, ये आपने लाजमी और रखना है। तभी खुदा न करता ये अगर ओवरलोड होता है तो ये बाईपास कर दे करंट को। ओवर लोड रिस्टार्ट है वो भी ऑन है इसका, ठीक है, अगर ओवरलोड हो तो रिस्टार्ट हो जाए। ओवर टेम्परेचर रिस्टार्ट पे मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, क्योंकि अगर ओवर टेम्परेचर पे बार बार ये रिस्टार्ट हो तो इन्वर्टर ख़राब आपका हो सकता है। और सोर्स वैन इंटरप्टेड जो है ये भी ऑन रखी हुई है कि पता चल जाता है कि सोलर चली गई है, वापडा चली, ग्रिड चली गई है, और ग्रिड रिवर्स फीडिंग जो है इसकी ऑफ है, क्योंकि अभी नेटवर्क वगैरह इंस्टॉल नहीं है इसके साथ। बाकी अगर आप इस पर पैरेलल ऑपरेशन पर जाए, सिंगल है, पैरेलल है, 103 है, ठीक है। तो ये जो थी इसकी सिंपल सेटिंग थी जो कि हमने इसके ऊपर की हुई है, जिसके ऊपर ये सारा ये टेस्ला का जो है उस दिन जो पिछली वीडियो थी इसमें टोटल इसका लोड वगैरह चलाया था, रिसीव वगैरह चला गया, तो इस सेटिंग के ऊपर ये चल रहा है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक और वीडियो को दोस्तों से शेयर लाजमी कीजिए।